एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो एक बड़े जंगल के किनारे बसा हुआ था, अनन्या नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। ये गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था और अनन्या की हंसी इस गांव की सबसे प्यारी ध्वनि थी। अनन्या हमेशा अपनी चटक लाल टोपी पहने रहती थी जो उसकी दादी माँ का दिया हुआ तोहफा था। ये टोपी उसकी पहचान बन गई थी और गांव के लोग उसे लाल टोपी वाली लड़की के नाम से जानते थे। वो टोपी जैसे उसके साहस का ताज थी जो उसकी दयालु आंखों और प्यारी सी मुस्कान को और भी खूबसूरत बनाती थी। अनन्या की मुस्कान में एक खास चमक थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। अनन्या को अपनी माँ के कामों में हाथ बंटाना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था और वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ नई नई खेलों की खोज में लगी रहती थी। उसकी हंसी पूरे गांव की गलियों में गूंजती रहती थी। उसकी हंसी इतनी मधुर थी कि लोग उसे सुनकर अपने सारे दुख भूल जाते थे। अनन्या, ये टोकरी अपनी दादी माँ के पास ले जा। इसमें उनके लिए कुछ खास चीजें हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। एक सुबह अनन्या की माँ ने उसे एक टोकरी दी जिसमें ताजी बनी हुई रोटी, मीठा मक्खन और शहद का एक जार था। ये सब दादी माँ के लिए था ताकि वे जल्दी ठीक हो सके। अनन्या की दादी माँ जंगल के दूसरी तरफ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वह झोपड़ी बहुत ही प्यारी और आरामदायक थी। अनन्या हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी तो उसने तुरंत हाँ कर दी। उसे अपनी दादी माँ से बहुत प्यार था और वह उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ। मैं दादी माँ को जल्दी ठीक होते देखना चाहती हूँ। अनन्या ने ध्यान से टोकरी अपने हाथ पर रखी। ताजी बनी हुई रोटी और शहद की खुशबू उसे अपनी दादी माँ के प्यार भरे आलिंगन और अंगीठी के पास सुनाई गई कहानियों की याद दिला रही थी। सूरज चमक रहा था और जंगल के रास्ते पर धूप छनकर गिर रही थी। जैसे ही वह रास्ते पर चल रही थी, टोकरी का वजन उसके हाथ पर एक सुकून दे रहा था। अनन्या खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसे अपनी दादी माँ से मिले हुए काफी समय हो गया था और वह उनके साथ दिन बिताने के लिए बहुत उत्सुक थी। वह एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी। उसकी लाल टोपी उसके कदमों के साथ हिल रही थी जो जंगल की हरी भरी पृष्ठभूमि पर खुशी की किरण की तरह लग रही थी। जंगल का रास्ता हालांकि जाना पहचाना था, लेकिन उस दिन उसे सामान्य से ज्यादा लंबा लग रहा था। अनन्या को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। अनन्या अपनी दादी माँ के पास जल्दी पहुंचना चाहती थी तो उसने देखा कि मुख्य रास्ते से एक छोटा सा रास्ता अलग हो रहा है। ये रास्ता उसे पहले कभी नहीं दिखा था। ये एक छोटा रास्ता था जिसके बारे में उसने सुना तो था, पर कभी उस पर जाने की हिम्मत नहीं की थी। ये रास्ता बहुत ही रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। कहा जाता था कि यह रास्ता जल्दी ले जाता है, लेकिन ज्यादा खतरनाक भी है। लोग इस रास्ते पर जाने से कतराते थे। शायद मुझे छोटा रास्ता लेना चाहिए, यह सोचकर अनन्या थोड़ी देर के लिए रुकी। इससे समय की बचत होगी और मैं दादी माँ को सरप्राइज दे पाऊंगी। यह विचार उसे बहुत अच्छा लगा। आज अपनी दादी माँ के पास जल्दी पहुँचने की चाहत में अनन्या ने हिम्मत दिखाने का फैसला किया। उसने सोचा कि कभी कभी जोखिम उठाना भी जरूरी होता है। उसने खुद को यकीन दिलाया कि इससे समय की बचत होगी और वह अपनी दादी माँ को सरप्राइज दे पाएगी। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने मन में उठ रहे डर को नजरअंदाज करते हुए अनन्या ने गहरी सांस ली और उस छोटे से रास्ते पर चल पड़ी, ये सोचते हुए कि यह एक नया अनुभव होगा। और उसकी लाल टोपी घने पेड़ों के पीछे गायब हो गई। अनन्या ने अपने कदमों को तेज किया, ये सोचते हुए कि जल्द ही वह अपनी दादी माँ के पास होगी। छोटा रास्ता सचमुच अलग था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया में बना यह रास्ता गीला था और उस पर झाड़ियां उगी हुई थी। अनन्या, जो अब थोड़ी डरी हुई थी, सावधानी से चल रही थी और टोकरी के हैंडल को कस कर पकड़े हुए थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। जंगल साउंड्स वर लाउड, लीव्स रसलिंग एंड बर्ड्स चिरपिंग फेल्ट अनफैमिलियर एंड समवॉट ईरी। द फॉरेस्ट सीम्ड अलाइव
whispering secrets and stories that only it knew. ये रास्ता तो अलग है, मुझे सावधान रहना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अचानक अनन्या रुक गई। रास्ते के बीच में एक भेड़िया खड़ा था जिसकी तेज नजरें उस पर टिकी हुई थी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जंगल में भेड़ियों के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उसका कभी किसी भेड़िये से सामना नहीं हुआ था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपने कदम पीछे खींचे। अरे वाह, ये कौन है? एक छोटी सी बच्ची लाल टोपी पहने और स्वादिष्ट चीजों से भरी टोकरी लिए हुए। कहाँ जा रही हो प्यारी बच्ची? क्या तुम खो गई हो? अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था, फिर भी उसने शांत रहने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसे सावधान और चालाक रहना होगा ताकि इस मुश्किल का सामना कर सके। उसने गहरी सांस ली और अपने डर को काबू में करने की कोशिश की। मैं अपनी दादी माँ के पास जा रही हूँ, वह जंगल के उस पार रहती है, मुझे जल्दी पहुँचना है। भेड़िये की आंखें चालाकी से चमकी और अनन्या खुद को आगे जो भी हो उसके लिए तैयार करने लगी। उसने महसूस किया कि यह एक साधारण यात्रा नहीं होगी और उसे हर कदम पर सतर्क रहना होगा। अच्छा, नमस्ते छोटी बच्ची, तुम यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं अपनी दादी माँ के पास जा रही हूँ जो जंगल के उस पार रहती हैं। तुम्हारी दादी माँ ऐसा कहती हो? अरे क्या इत्तेफाक है, मैं भी उनसे मिलने ही जा रहा हूँ। चलो हम एक रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। अनन्या को कुछ गड़बड़ लग रही थी, उसने अपनी चतुराई से काम लेने का फैसला किया। यह तो बहुत मजेदार होगा, लेकिन क्यों ना हम इसे और भी मजेदार बनाएं? हम दोनों अलग अलग रास्ते से चलते हैं और देखते हैं कि दादी माँ के लिए सबसे सुंदर जंगली फूल कौन लाता है। अनन्या जानती थी कि भेड़िया, जो उसकी दादी माँ के पास पहले पहुँचने के लिए बेताब था, इस चुनौती का विरोध नहीं कर पाएगा। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, भेड़िया जीतने की चाहत में अंधा हो गया और तुरंत मान गया। बहुत खूब, मैं यह रास्ता लेता हूँ, ज्यादा देर मत करना नन्ही बच्ची। भेड़िये का ध्यान भटकाकर अनन्या असली रास्ते पर भागी। उसका दिल राहत से तेज धड़क रहा था। वह भेड़िये के चंगुल से बच निकली थी, लेकिन यह मुलाकात उसे हिला गई थी। उसे छोटा रास्ता लेने की जल्दबाजी करने की सजा मिली थी। वह सुरक्षा की जगह जल्दी पहुंचने के लालच में आ गई थी। अपनी दादी माँ की झोपड़ी में पहुंचकर अनन्या दरवाजा खोलकर अंदर गई और अपनी दादी माँ के गले लग गई। उसने अपनी दादी माँ को भेड़िये से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। उसकी आवाज में अभी भी डर था। तुम बहुत बहादुर और चालाक हो अनन्या, याद रखना कभी कभी सबसे तेज रास्ता हमेशा सबसे सुरक्षित नहीं होता है, और थोड़ी सी सावधानी बहुत काम आ सकती है। भेड़िये से अनन्या की मुलाकात की खबर पूरे गांव में फैल गई। यह कहानी बार बार सुनाई जाने लगी, जो लोगों को हमेशा सावधान रहने की याद दिलाती थी, लेकिन साथ ही चुनौतियों का सामना हिम्मत और चतुराई से करने के लिए भी प्रेरित करती थी। अनन्या की लाल टोपी, जो कभी उसके हंसमुख स्वभाव का प्रतीक थी, अब बहादुरी और तेज सोच का भी प्रतीक बन गई थी। अनन्या, जो अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गई थी, अपने आसपास की दुनिया को अब भी एक्सप्लोर करती रही, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा जागरूक और समझदार हो गई थी। उसने सीखा कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि उस पर काबू पाना है, और यह कि हम में से सबसे छोटा व्यक्ति भी थोड़ी सी चतुराई से सबसे बड़ी बाधा को पार कर सकता है। और इस तरह लाल टोपी वाली बच्ची की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही।